आज मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि ये एक आधार सेवा केंद्र पटना में खुला है। 130 करोड़ का हिंदुस्तान है, 124 करोड़ आधार, बल्कि 124 करोड़ 80 लाख। मैं बिहार की बात जानने की कोशिश कर रहा था कि बिहार में 11 करोड़ 71 लाख पॉपुलेशन बताते हैं, उसमें टोटल आधार है 10 करोड़ 39 लाख, तो लगभग 90% बिहार में भी आधार है। आधार क्या है? आधार एक डिजिटल आइडेंटिटी है जो आपके फिजिकल आइडेंटिटी को कंफर्म करते हैं। मैंने एक बार पहले बताया था, आज चूंकि आधार सेवा केंद्र खुल रहा है, थोड़ा मैं पटना के पत्रकार मित्रों को आधार अपने तरीके से समझाना चाहता हूं। देखो, ये मेरा आधार कार्ड है, इसमें क्या है, मेरी फोटो है, मेरा नाम है, मैं पुरुष हूं, और पीछे मेरे पिताजी का नाम और पटना का साइज लगा है। अब इसमें क्या नहीं है, मेरी जाति क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरा ईमान क्या है, मेरा मेडिकल रिकॉर्ड क्या है, मेरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या है, और मेरा सेक्सुअल प्रेफरेंस क्या है, ये इसमें नहीं है, जिससे मुझे लोग पहचान सकते। जैसे पासपोर्ट सेवा केंद्र चलता है, उसी प्रकार से आधार सेवा केंद्र। और मैं आधार के लोगों से कहूंगा, जब मैं संचार का भी मंत्री हूँ, आईटी का मंत्री हूँ, तो ये पूरा जो आईटी संचार विभाग का काम होता है, इसके बीच में एक समन्वय होना चाहिए। मैं पोस्टल विभाग के लोगों से भी कहूंगा कि आपके जो सारे अकाउंट्स हैं, जो बाकी हैं, जो आधार इनेबल पेमेंट हैं, जो बाकी हैं, उन सबों को इस सिस्टम से एक समन्वित रूप से जोड़ने की जरूरत है, ताकि लोगों को सुविधा हो, लोगों को मजबूती मिले। मैं एक बात और भी देख रहा था कि आधार कैसे काम करता है। अब मैं बैंक में जाता हूं, मुझे अकाउंट खोलना है या बाकी काम करना, तो मेरा आधार नंबर पूछा जाता है। हिंदुस्तान में दो जगह आधार का सिस्टम है, जो सिर्फ नंबर बोलने पर 3 सेकंड में कंफर्म कर देता है कि ये व्यक्ति रविशंकर प्रसाद, क्योंकि हमने भारत में ही ये सिस्टम डेवलप किया है कि वो ऑथेंटिकेट करता है 3 सेकंड में हमारे उंगलियों। अगर नहीं मिला तो नंबर सही नहीं है, ये व्यक्ति सही नहीं है, तो कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम 2 करोड़ 80 लाख यानी लगभग 3 करोड़ ऑथेंटिकेशन पर डे करते हैं। मतलब समझते हैं इसका कि भारत की टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ी है कि 2 करोड़ 80 लाख आधार का सिस्टम ऑथेंटिकेट करता है, और कितना वक्त लगता है, सिर्फ 3 सेकंड। और ये सब टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में डेवलप की है। तो आज मैं आपसे, जो देश डिजिटल इंडिया के माध्यम से बदल रहा है, देश को हम सशक्त कर रहे हैं, देश को हम मजबूत कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, देश को ईमानदार बना रहे हैं। मैं कुछ देर पहले गया था, जहां अरुण जी और थोड़ा जी भी थे, कि हमारे बिहार पोस्ट मास्टर सर्कल ने हिंदुस्तान का एक प्रकार से पहला पूर्ण महिला पोस्ट ऑफिस स्थापित किया। जो बात मैंने वहां कही थी उसको दोबारा यहां रिपीट करूंगा, जो मैंने कैसे देखा, मैं ट्विटर पर भी हूं, मैं फेसबुक पर भी हूं, बताओ सुकन्या समृद्धि योजना, चंद्रयान, मंगलयान पर महिलाएं, वैज्ञानिक कितना काम कर रही है, आपने टीवी में देखा होगा। तो हम चाहते हैं विशेष रूप से आईटी विभाग में 1/3 से अधिक महिलाएं काम करती हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस बदलाव के क्रम में जो भी टेक्नोलॉजी के द्वारा हो रहा है, देश की नारी शक्ति को बहुत सम्मान मिलना चाहिए। मुझे एक दो सलाह देनी है जो मैंने वहां भी दी थी, सभी नागरिकों से अच्छा व्यवहार होना चाहिए। आधार के लोग इस बात की विशेष चिंता करें,
कोई भी अगर दुखित होकर बोला कि मुझसे ठीक से बात नहीं की गई तो मैं ठीक नहीं मानूंगा, बहुत सख्त कार्रवाई करूंगा। आप जन सेवा केंद्र हैं तो सेवा मन से आनी चाहिए, और मन से सेवा आने के लिए सरकार से आदर भी देना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बाकी आप लोग योग्य हैं, आधार ने देश का अच्छा काम किया है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। रोहता, मैंने जब तुमको कहा था आई वॉन्ट दिस सेंटर टू बिकम ए टॉप सेंटर ऑफ इंडिया, ठीक है,